कलयुग पे बात कर रहे थे हम, एक दफा आपके साथ इंटरव्यू में आपने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली थी कि जो पृथ्वी का कोर है उसमें कहीं शिव जी हैं, और वो सारी चीज़ें उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे महाप्रलय आती है, कैसे जब कलयुग खत्म होगा तो महाप्रलय कौन लेकर आएगा, कैसी होगी, और वो जो पृथ्वी के कोर वाली बात आपने बताई थी उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे। एक में प्रसंग है रामायण में जी कि जब भगवान राम के जाने का समय आया तो उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल के एक धरती की क्रैक है ना ऐसे डाल दी। अच्छा। और हनुमान को बोला मेरी अंगूठी चली गई है जरा ले आऊं। अंगूठी गई सीधा पाताल, हनुमान गए पाताल, वहां बैठे थे वासुकी नाग, तो वहां पे हनुमान ने देखा अंगूठियों का ढेर लगा हुआ है, अनगिनत अंगूठियां। हनुमान ने कहा ये कौन सी मेरी अंगूठी कौन सी है इनमें, मेरे श्री राम की अंगूठी कौन सी है। उन्होंने कहा कोई भी उठा ले, कोई भी उठा ले, मतलब सारी श्री राम की अंगूठियां हैं। ये युग, ये युग, ये महायुग, मनमंत्र, फिर काल, ये तीन स्टेप्स होती हैं, ये बदलेगा। और जब महायुग, अगला महायुग आएगा फिर श्री राम जन्म लेंगे। अब वो एक और यूनिवर्स में जन्म ले चुके हैं, अगर उन्होंने ले नहीं चुके वो लेंगे, उनको जाना है। मगर तुम्हारी भक्ति, ये समझने की बात है, आप इस बात को अगर पकड़ लो आपको सार मिल गया, अगर इस बात को पकड़ लो आपको सारा योग का सार मिल गया। अगर तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान राम को तुमको अपने से अलग करना पड़ा जाने के लिए, बहुत बड़ी बात है, तो वो जा ही नहीं सकते अगर तुमने उनको पकड़ रखा है, तो वो योग बदलेगा ही नहीं अगर तुमने उनको पकड़ रखा है। तो इसलिए वो हर योग के एंड में, क्योंकि तुम हनुमान हो उनको छोड़ने को तैयार नहीं हो, हर युग के एंड में अंगूठी फेंक देते हैं, चाहे बटन लेके आ, और जब तक तुम जाओगे वो जा चुके होंगे। बिल्कुल, जब तक तुम पहुंचोगे वो जा चुके हो। भक्त में ये शक्ति होती है कि वो अगर चाहे तो कुछ भी बदलता है, वो भगवान को भी ना हिलने दे वहां से, भक्त में ये शक्ति होती है। तो ये प्रसंग हमेशा इसको याद रखो कि युग अंत होगा। और जो हम उस डिस्कशन कर रहे थे, जो मुझे ध्यान आ रहा है, हम कालग्नि रुद्र की बात कर रहे थे। यस यस। अगर आप येलोस्टोन नेशनल पार्क जाओ, यूएसए में एक जगह है, तो वहां पे नीचे उसके वैल्कोनर्स है, और वो बोलते हैं वैल्कोनर्स कभी भी फट सकते हैं। और हमारे शास्त्रों के हिसाब से कालग्नि रुद्र एक ऐसे देव है जो सृष्टि के कोर में है। अब एक मंत्र होता है, तंत्र का ही मंत्र है ये, रुद्र रुद्र महारुद्र बोलते हैं हम लोग। तो इसके आगे भी कुछ होते हैं, मैं सारा बता नहीं सकता, अगर मनाही ना हो तो बता सकते हैं। उस सब्जेक्ट पे आएंगे। अच्छा, पहले किस पे आया ना, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जब जाते हैं तो वो एक इतने समय के बाद सृष्टि का विध्वंस निश्चित है, वो वॉल्केनो फटते हैं, आग निकलती है, कालग्नि रुद्र जो है वो अपना अपनी आंखें खोल देते हैं, तो सारी की सारी आग उनके अंदर, सारी आग समेटी हुई है। अच्छा। पृथ्वी के कोर की गर्मी सूर्य की कोर की गर्मी के बराबर है, कैसे पॉसिबल है? आप सूर्य के पास जाओ पृथ्वी पिघल जाए, ये गर्मी वो गर्मी कैसे पॉसिबल है बताओ मेरे को, ये गर्मी और वो गर्मी कैसे पॉसिबल है सेम होना? क्या साइंस में कहीं इस चीज ऑफ कोर्स के बारे में? अब देख लो, स्टडी कर लो, अभी खोल के देख लो। तो वो गर्मी और वो गर्मी सेम है? नहीं, मैं वही उसी की बात कर रही हूँ कि क्या उस गर्मी और वो गर्मी सेम है इस बारे में, और कहीं कोई व्यक्ति होल्ड किया हुआ है पृथ्वी के कोर में जो एनर्जी? व्यक्ति नहीं होल्ड करा हुआ। एक छोटी सी बात समझो, वॉल्केनो क्यों फटता है, उसके पीछे क्या साइंस है, कभी सोच के देखा है कि वो वॉल्केनो क्यों बाहर निकल के नहीं आ जाता पहले? उसका एक समय क्यों निर्धारित है फटने का, उस समय क्यों बाहर निकलता है? मिक्स हो जाती हैं और वो एकदम अति पर आ जाती हैं, तब बाहर आ जाता है। ये मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में साइंटिफिक चीज, साइंटिफिक ये नहीं है, साइंस ये नहीं कहती, ये स्थूल डिस्क्रिप्शन है कि गैसेस का मिक्सचर हुआ कैसे हो गया, वो मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई, कि आपस में मिक्स हुआ, केमिकल रिएक्शन की मूवमेंट शुरू कहाँ से हुई, उसी का डेफिनेशन है। उसकी डेफिनेशन आपको बता ही नहीं कोई पाएगा, वॉल्केनो से इससे आगे कोई गया ही नहीं, क्यों वहां तक जा नहीं सकते। इट्स ऑल योर हाइपोथेसिस, कंजेक्चर्स, जो आपने सोच के हिसाब लगा के बता दिया। साइंस हर 10 साल में चेंज हो जाती है, और साइंस हर साल में 10 साल में चेंज हो जाएगी, तो हाउ विल यू बिलीव देम? हमारे शास्त्र शाश्वत है, एकदम साफ कह दिया कि उनकी इतने संबंध आंख खुलेगी और वो सारा का सारा फटके बाहर निकलेगा, और वो जब बाहर निकलेगा सूर्य को कवर कर देगा, समुंदर में चले जाएगा और महाप्रलय आएगी, सारे उसमें चले जाएंगे। अब महाप्रलय बाइबल में भी है, नोवाज आर्क की स्टोरी अगर आप देखो तो
वहां पर ले मनु भी है, मनु और नोवा एक ही बात हो गई, सेम थिंग इज सेम स्टोरीज इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो क्या हुआ ये कि वो जो अग्नि निकली उसे सब भस्म कर दिया और वहां पर ले आ गई। और ये रेपिटेटिव है, युग के खत्म होने में होना ही है, मगर इसमें ज्ञान की क्या बात है। अगर आप में इतनी शक्ति है, आप तपस्या में बैठ जाओगे, मैं नहीं हिलने दूंगी, तो महापर्ले आ ही नहीं सकती। यही मैं आपको बता रहा था कि यही वो चीज है, यही वो चीज है कि युग या तो आप छोटा कर सकते हो या बड़ा कर सकते हो। आप में इतनी शक्ति है अपने लिए, आप तंत्र से कुछ भी अपने लिए आप ला सकते हो, मगर उसके लिए पहले आपको बुद्धि चाहिए। बड़े से बड़े असुर ने अपने लिए मांगी है फॉरएवर जियो, मैं बुद्धि किसने नहीं मांगी। तो ये चीज जो, ये साइंस जो है, अग्नि की साइंस है, ये बड़ी प्रोफाउंड साइंस है, और यही जो होती है सृष्टि के अंत का कारण बनती है। बनती अग्नि है, मगर उसका जो रूट होता है वो जल होता है। मैं यही पूछने वाली थी, क्योंकि मैंने जो महाप्रलय के पढ़ा है कि पूरी धरती है वो वैसे जलमग्न हो जाएगी, क्योंकि सारा लावा भर जाएगा। अच्छा, पानी में। अच्छा, पानी में सारा लावा भर गया। हाँ, हाँ। तो पानी ऊपर उठना शुरू हो गया। अच्छा, पानी उठना शुरू हो गया तो सारा कवर कर दिया, ऐश ने सूर्यदेव कवर कर दिए, तो कहां से ऊर्जा आएगी। वो पानी भर गया, सब कुछ डुबो दिया, और डुबो दिया तो कुछ बचा ही नहीं, कब तक पानी में बैठे रहोगे आप, और सूर्यदेव ने कवर कर दिया। अच्छा, और कलयुग का ये मान लीजिए अंत हो गया, महाप्रलय आ गई, तो क्या हर बार ये साइकिल रिपीट होता है कि फिर से वो चारों युग आएंगे एंड फिर से सारे जो अवतार हैं विष्णु जी के वो जन्म लेंगे? जैसे आपने अंगूठी का भी बोला कि इतनी सारी अंगूठियां थी वहां पे कि वो भी हनुमान जी भी अनेंडिंग। हाँ, अनेंडिंग। तो ये फिर से क्या सारे सर्जनाएं फिर से होंगी क्या? ऐसा है, मैंने बताया एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। आप शक्ति को, एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, उसका फॉर्म चेंज कर सकते हो। एंड एनर्जी इज नेवर कॉन्स्टेंट, एनर्जी इज ऑलवेज 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 चेंजिंग, या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो हमारे शास्त्रों में लोक डिफाइंड है, भू भुव स्व मह जन तप, और गए नीचे तो अतल सुतल रतल सतल तलातल और पतल, इसको पाताल बोलते हैं हम लोग। ऊपर और नीचे आपके सारे लोग हैं, तो इट इज नॉट, दैट इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्स्टेंट। वो लोग भी सारे खत्म होते हैं, मगर सबका समय निश्चित है। अच्छा। इतने समय था। वो कर्मों के हिसाब से उसको बदल दो। कर्मों में इतनी शक्ति होती है, साधना में योग में इतनी शक्ति होती है, आप कुछ भी बदल सकते हो।